ऐसे भी खाली हाँ दर्द लेकर लांगर तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगी। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज हो गया 4 पूजा, और पूजा वूजा तो हम कब के कर लिए हैं, और अभी हम लोग आ रहे हैं आयुष्मान कार्ड बना करके, और अभी हम लोग फिलहाल खाना खा रहे हैं गाइज। दोपहर का 1 बज रहा है, तो फिलहाल ये देखिए खाना हम लोग का दाल चावल और बैंगन का भाजी साग और सलाद हो गया और दही मम्मी भी खा रही है। और मम्मी कल जो चांद निकला था, तो माता चंद्र घंटा होती है ना उनके, वो जो तिलक लेती है चांद और नीचे तारा होता है, उसी की वजह से था क्या? पता नहीं, हो सकता है, हो भी सकता है। माता चंद्र घंटा भी है, वो है ना माता रानी, आदमी बोलता है तो चंद्र घंटा। और कल बोल रहा था ईद का स्टार्टिंग हो रहा है क्या, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी गाइस खाना खाते हैं हम लोग। तो गाइस अभी फिलहाल हम खाना उना खा करके और फ्रेंड्स सब के साथ घूमने के लिए चल रहे हैं जोगनी स्थान तरफ, और उसके बाद और भी गाँव तरफ आज घूमने के लिए जाएंगे, आज मौका है। वैसे भी दो दिन से कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं, तो सोचे कहीं घूमने चलते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जोगनी स्थान की तरफ पहुंच रहे हैं, कुछ देर बचा हुआ है। ये सब जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं जोगनी स्थान पहाड़ है, तो गाइस हम लोग जोगनी स्थान के पास पहुंच गए, जय माँ योगनी। तो अभी फिलहाल हम लोग और आगे चलते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग जोगनी स्थान से पीछे आ गए, और इधर से हम लोग बाहुपुर आ गए, और इसके अंदर से चल रहे हैं हम लोग, निकलने वाले हैं फूटानी हटिया, न्यू रास्ता। इधर से हम लोग कभी नहीं गए, और आप लोग को भी रास्ता दिखाई देते हैं। पहली बार हम जा रहे हैं, मतलब फुटानी हटिया तक सर हम जाते रहते हैं, और फिलहाल लोग गांव तरफ ढूक गए हैं, उधर से होकर निकल रहे हैं। ये देखिए फिलहाल छोटा बच्चा इधर दौड़ते हुए, फुल्ली गांव है, इधर से होकर के हम लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ अंबानी साहब हैं। हाँ अंबानी साहब है और आनंद है, हम भी हैं सर। वह सर जो है ना इनका लाइक नहीं है सर। इधर देखिए गेहूँ का खेती हुआ है, बोले सोचे नया रास्ता दिखा देते तुमको, हम आज बोल रहे थे नहीं दिखाए। और ये हो गया गाइस भुट्टा, ये रास्ता खरियानी तक भी जाएगा, यहाँ से अभी कम से कम 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर तुम आया है ना? हाँ बहुत बार आया है। अभी यहाँ गाँव आएगा, सिमरिया गाँव आएगा, और एक दो गाँव है नाम नहीं जानते। हाँ बोलिए ना, इधर क्या करने आप आते थे ये बताइए। बस घूमने आते थे, जब 9 या 10 में पढ़ते तभी घूरे पूरा साइकिल से। नहीं ऐसा बात नहीं है। अच्छा किसी से मिलने नहीं आते थे? नहीं जब हम 9 में पढ़ते थे आता था, अपने दोस्त के साथ पूरा घूमने आते थे। अच्छा होगा तो बताइएगा, जरूर बताएंगे। ये और किसी को पसंद होगा इधर तो हमको जरूर फोन कीजिएगा। अपने फेसबुक आई डी भी बता दो थोड़ा बहुत क्या उनका, ताकि तुमको जो पसंद करेगा वो तुमको करेगा। अच्छा जैसा होगा, कोई दोस्त होगा जब फोन कर सकते हैं। दर्द लेकर लांगर तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगी। अंबानी सर है, अंबानी है, अंबानी है सर, हम लोग देखते जाते हैं। क्या हाल है? ये गोटा है। हाँ गोटा है गाइस, इधर गांव में ना रोड पर ही डाल दिया है, क्योंकि उतना ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, जिसके कारण सब कोई रोड पर बिछा के, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी उड़ी आता नहीं है, और गोटा को टिकना पड़ता है, गाड़ी चलाएगा तो अपने आप छूट जाएगा। ये गलत काम भैया, क्या गलत काम है, सही है ना गाँव? रोड बना है तो इधर से गाड़ी जाएगा। अरे जाएगा यार, तब तक फिर है इसका यूज किया जाए, कितना बूटा है यहाँ पर, खेती बढ़िया हुई है। पूरा खेती इस पर ढेर ज़्यादा देख लिया, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए करण अर्जुन वाला खेत, मतलब मूवी वाला। और इधर देखिए फिर से आया गोटा, एक दिन हम अपना खेत ले जाएंगे तो सबको घुराने। ठीक है, कल या परसों सर सुनिए। अच्छा अच्छा एक मिनट, ई गाँव का नाम क्या है आनंद? उगेश। ई गाँव का नाम सिमरिया हो सकता है। गाइस इस गांव का नाम सिमरिया है। अच्छा अंबानी सर आप घुमाने ले जाइएगा तो आपका तो कितना एकड़ होगा जमीन? हम घूमते घूमते साला थक जाएंगे तो। नहीं ज़्यादा नहीं है, 2 बीघा है। ओ तो एकड़ में है, बूटा पड़ा है आपको लाएंगे, वहाँ से खाया जाएगा, लाया जाएगा घर तक। जरूर जरूर जरूर। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग फुटानी हटिया पहुंचने लगे, बस यहाँ से कुछ ही दूर बचा हुआ है। अब मुकेश का टाइम से ड्राइविंग नहीं हो पाएगा, तो मेरा आंख लहर रहा था इसलिए बोल दिए। तो अब आनंद करेगा ड्राइविंग, ये भी नहीं कर रहा था, कारण बता दो, कहने की कर रहा था तुम ड्राइविंग? कारण कुछ नहीं, चलाने का मन नहीं। हाँ दिखाओ,
तो ये देखिए गाइस, इसकी गर्लफ्रेंड इसको सजा दी है जिसके गाड़ी हाथ जला लिया है, तो इसीलिए नहीं कहता है कि हमसे गाड़ी नहीं चला पाएंगे। फिर बोले दो हम चलाते, फिर कहते नहीं हम चलाएंगे, कहीं क्यों तो जलाना है ना किसी को। देखिए पोटानी हटिया पहुँच चुके हैं, तो यहाँ मेरा छोटू का गर्लफ्रेंड रहती है। बता दो नाम, बता दो। ये देखो तुम्हारा दोस्त युवराज गर्लफ्रेंड रहती है, गौर चुन्नी। यहीं पर सब्जी उब्जी बिकता है और हटिया रहता है। आज नहीं है, आज संडे नहीं है, शनिवार है, इसीलिए आज यहाँ पर हटिया नहीं लगा है, संडे के दिन लगता है। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग घर पहुँच गए हैं, अब क्योंकि आनंद को जाना है पहाड़, तो अभी फिलहाल ये कपड़ा चेंज कर लिया है, पंडित जी ड्रेस पहन लिया। और ये देखिए अंशु आपस में लड़ रहा, अंशु कह रहा हम भी जाएंगे, हम लोग नहीं चार लोडिंग नहीं जा पाएंगे, और हमको बोला बाइक चलाने के लिए, लड़ रहा है लोग कहते नहीं हम जाएंगे, तो इसको कहते नहीं तुम जाएगा नहीं, उसको छोड़ेंगे फटाक से गाड़ी में करके बैठ जाएगी, इसीलिए छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यार। तो गाइस आखिरकार अंशु बाइक में बैठ ही गया, कहता है हम भी जाएंगे, आनंद पीछे कहता है अब हम नहीं जाएंगे, तो तीन को चार को हम लोग नहीं जाएंगे साथ में। तो देखिए क्या होता है, अंशु उतरता है या फिर अंशु भी चलता है। तो गाइस अंशु तो उतर गया क्योंकि आनंद नहीं जा रहा था और काम उसी को था ना, तो अंशु बोला ठीक है जाओ तुम लोग, फिलहाल हम उन्हीं को बाइक चलाना पड़ेगा इधर से। आनंद बोल रहा है हम नहीं चलाएंगे, तुम ही चलाओ। तो फाइनली गाइस हम लोग पहाड़ पे पहुंच गए और आनंद फिलहाल गया है सांस दिखाने के लिए सभी मंदिर में। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर मेला पे थोड़ा घूरते हैं, यहाँ पर हम लोग समोसा खाने के लिए आए हुए हैं, और मेला में तो झूला उला आया है गाइस, अभी उतना भी नहीं लगा है लेकिन लग जाएगा, पाँच छः पूजा आज चार पूजा हो गया ना, तो सात आठ पूजा सबसे रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल ये समोसा खाते हैं हम, और ये रहा शनि मंदिर, रंग आ गया है, पेंट उंट हो गया ना, तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। और आज शनिवार है, शनि भगवान को दर्शन भी करना चाहिए, तो आप लोग को दर्शन भी कराते हैं, लिख दीजिएगा कमेंट में जय शनिदेव। ये देखिए यहीं पर आनंद आया था दीप दिखाने के लिए, और यहाँ पर और भी मंदिर है, सब जगह दीप दिखा दिया है। तो फिलहाल आनंद बाहर में है, तो देखते हैं कब तक यहाँ से निकलता है। तो चलिए गाइस अब हम लोग चलते हैं घर, हो सके तो शाम में आएंगे आरती लेने के लिए, अभी फ़िलहाल चलते हैं घर क्योंकि अभी फ़िलहाल बज रहा है पाँच और आरती हो गया लगभग साढ़े छः सात बजे होगा। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं घर, इधर से आनंद ही बाइक चला करके ले चलेगा, उधर से हम लाए थे ना, इधर से आनंद लेके चलेगा। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और लाइट भी नहीं है गाइस, और हमारा आज माथा थोड़ा दुखा रहा है गाइस। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते बहुत जय हिंद।